बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गोबरवाही पुलिस ने बिना लाइसेंस रेत तस्करी करने वाले ट्रैक्टर पर कार्रवाई कर 3,600,000 रुपए का माल जब्त किया है। जब गोबरवाही पुलिस गश्त पर थी तब ट्रैक्टर पर अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा था। पुलिस ने इस ट्रैक्टर को पकड़ लिया और रेत जब्त कर ली। लाखनी में अज्ञात चोर द्वारा दुकान के सामने रखी बाइक को चोरी करने की घटना घटित हुई। फिरियादी परसोड़ी निवासी सेवक राम मानिक राम रहंगडाले उम्र 50 वर्ष की शिकायत के आधार पर लाखनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। किरायेदार से विवाह सुलझाने गए युवक की 4 लोगों ने बेरहमी से पिटाई करने की घटना मुरमाड़ी सावरी में घटी। लाखनी पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया। भंडारा पुलिस ने निर्माण स्थल से लोहे की सलाखें चुराने वाले 2 चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने भंडारा निवासी नितेश शिवनाथ बोरकर उम्र 37 वर्ष व 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति को 10 किलो सलाखें चुराते हुए पकड़ा। लखनऊ से तंग आकर व्यक्ति ने तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम कोका निवासी छगन जयराम कनोजे उम्र 57 वर्ष है। मृतक छगन लखनऊ से पीड़ित थे। कादा पुलिस ने मामला दर्ज किया। खाली पड़े प्लाट को अपने नाम कराने के लिए पिता के साथ मारपीट की घटना पालनपुर में घटी। शिकायत के आधार पर पालनपुर पुलिस ने आरोपी अजीत तेजराम शहारे उम्र 27 वर्ष पर मामला दर्ज किया। जहर खाने से इलाज करा रहे एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम पवनारा निवासी रमेश प्रेमलाल उइके उम्र 41 वर्ष है। साकोली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151717 पर।